फर्रुख भाई हमें ये बताइएगा, क्योंकि मैं आमतौर से बहुत सारी लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि मैंने मोटरसाइकिल कस्टमाइज़ की है, लेकिन मैं हर बाइक की वीडियो नहीं बनाता। दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड थिंग जो मैंने आपके पास देखी है। इसके बारे में थोड़ी सी हमें डिटेल्स बताइए कि ये क्या बाइक है एंड इसको बनाने में क्या स्टेप्स आपने लिए, क्या ख़र्चा आया और बेसिकली इसमें आपको ओवरऑल कितना टाइम लगा। तो डिटेल्स थोड़ी इसके बारे में बताइएगा कि कहाँ कहाँ से करवाए, कौन कौन से पार्ट्स लगाए। थोड़े से होंडा 50 का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हमारी पार्किंगों में सड़ रही होती है ताया अबू की, अबू की, दादा अबू की बाइक्स। तो मेरा इसे कन्वर्ट करने का, मॉडिफाई करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि न्यू जनरेशन को बताना कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, अगर आप मेहनत करें उसके ऊपर और थोड़ा सा टाइम अगर आप लगाएं और आपको अगर हॉबी है, आपको शौक है, बाइक्स रखने का तो हर किसी को शौक होता है और आजकल बड़ा ही आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड चल रहा है बाइक्स मॉडिफाई करना, कैफे रेसर्स बनाना। तो उस ट्रेंड को मैं जो है वो विंटेज में लेकर आया हूँ, उसका शाहकार आपके सामने है। दो माह की मेहनत है इसके अंदर, तकरीबन 2 माह लगे हैं इसे मॉडिफाई करने में। तो कौन सी ईयर की ये 50 है बेसिकली? 1979 होंडा 50। तो इसका इंजन आपने स्टॉक रखा है या चेंजेस किए हैं थोड़े बहुत इंजन में? इंजन स्टॉक नहीं है क्योंकि बेसिकली मॉडिफिकेशन के बाद टायर्स बड़े हैं इसके अंदर, बॉडी वर्क्स इसके अंदर थोड़ा सा हैवी है, प्लेट्स मोटी हैं। तो 50 में आपको पता है कि शिफ्ट गियर्स एक आगे 3 पीछे होते हैं, तो 110 मैंने अपग्रेड किया है इसके ऊपर। तो दिस इज अ 110 सीसी अपग्रेड इंजन, ठीक है। और ये बॉडी क्यों आपने कहीं से मॉडिफाई करवाया, किसी फैब्रिकेटर से बनवाया? जी, इसके स्पेशलिस्ट हैं, जिस तरह वो होते हैं ना एक डॉक्टर्स, इनके स्पेशलिस्ट बैठे हैं बेसिकली जामा क्लॉथ के पास, तो मैं उनका नाम लेना भी मुझे अच्छा लगेगा, यामिन भाई और जावेद भाई, डेंटर हैं बेसिकली। वो बैठते हैं दिल पसंद के पीछे, वन ऑफ द बेस्ट डेंटर्स अपने फील्ड के, यानी कि 50s टैंकीज, टापे, इस तरह की चीज़ें वो बनाते हैं। सही। टायर्स आमतौर से 50 के अंदर तो काफ़ी पतले आते हैं और ज़्यादा उसके अंदर जगह भी नहीं होती, तो आप हमें फॉर एग्जांपल फ्रेम के अंदर क्या मॉडिफिकेशन, आपने रियर में बताया कि आपने रियर के अंदर चेंजेस किए हैं थोड़े बहुत, फ्रंट के ऊपर बताइए कि फ्रंट में आपने क्या चेंज किया है, कोई अकोमोडेशन के लिए काम किया है, मॉडिफिकेशन कराई हैं? बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं इसका जो चिमटा, इसके शॉक कहते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइड है काफ़ी, यहाँ से इसे हमने कटवा कर इसे ब्रॉड किया है क्योंकि इसके अंदर 90-70-17 का टायर लगा हुआ है और कैफे रेसर का टायर है, ये आप देख सकते हैं। तो जब इसका आप चिमटे पे मॉडिफाई करते हैं तो आपको इसमें सस्पेंशन की ज़रूरत पड़ती है। सही। तो बाहर से हमने ये सस्पेंशन अपग्रेड करवाए हैं इसके, सही, ताकि इसकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए और टायर जो है इसका हैवी है तो सस्पेंशन में कोई इशू ना आए। 90-70-17 का टायर लगा है, 70-17 इसके अंदर बिल्ड। तो ये आपका बेसिकली कोई स्पेसिफिक ब्रांड है या कोई हाई स्पीड का किस, ये हाई स्पीड ब्रांड है बेसिकली, हाई स्पीड में गाड़ी में लगे हुए आते हैं बाइक में, तो ये वही मेरी एक बाइक है, उससे मैंने निकाल के इसमें जो है हैंडल बार में क्या मॉडिफिकेशन की हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये नॉर्मली हैंडल बार जो है वो साइकिल का है, साइकिल मॉडिफाई करने का मकसद ये था कि आप जो सिटिंग प्लेसमेंट यहाँ आती है इसकी तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, अगर आप बाइक का या कोई और हैंडल बार लगाते हैं वो स्ट्रेट नहीं होता, कर्व होता है उसके अंदर। साइकिल हैंडल बार में ये फ़ायदा होता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट और कर्व नहीं होता। पीछे आप ये देख रहे हैं काफ़ी बॉडी में मॉडिफिकेशन हुआ है, अगर आप क्लोज अप दिखा सकते हैं तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रॉड किया है और यहाँ से जो है चेचिस की कटिंग हुई है पूरी और नया पीस पूरा लगता है क्योंकि 50 का चेचिस इतना पायदार नहीं होता, ये तकरीबन 4 mm की इसके ऊपर चादर लगी हुई है और इसका टायर जो है वो 120-90-17 का टायर है, 120-70-17 अच्छा, तो अच्छा दिस इज वो 350-17 कह लें इसको। जी, हाँ, उसी अदवार से इन्होंने इसके अंदर रियर के ऊपर ये टायर लगाया। फिर इसमें एक रिम में इशू आता है, 200 का रिम पहले हमने इसमें अपग्रेड किया था लेकिन वो डी शेप में जा रहा था टायर ना, सही, आपसे भी डिस्कशन हुई थी, मशवरा आपसे लिया था मैंने। इसके बाद 3 inches जिसको कहते हैं 3.2 का इसके अंदर हमने रिम लगाया है सिल्वर का। अच्छा अच्छा, तो 3.2 का आपने इंच के अंदर सही है रिम लगाया, तो ज़ाहिर है बॉर्डर रिम लगाने से टायर का रियर प्रोफाइल काफ़ी समझे कि वाइड हो गया है, बेहतर हो गया, हाँ, और अच्छी भी लग रही है पहले से के मुकाबले में ज़्यादा, ठीक है। सुजुकी 110 का हमने साइलेंसर लगाया है इसके अंदर, SD 110 जो आती थी उसका, जी बिल्कुल, अच्छा SD 110 इसकी मार्केट में अवेलेबल है, ये आपको किसी भी बाइक की शॉप से मिल जाता है। कैफे रेसर के हमने लुक देने के लिए इसके अंदर जो इंडिकेटर्स लगाए हैं ओरिजिनल जो कैफे रेसर के आते हैं, हाँ, ये आमतौर से जो लोग कैफे रेसर कन्वर्ट करते हैं या ओल्ड स्टाइल आपके रेट्रो हार्ले स्टाइल के, ये उसके लिए पहले कराची में बहुत ज़्यादा इश्यूज थे कि कैफे रेसर का सामान यहाँ मिलता नहीं था, लोगों को पता नहीं था, अब कुछ लोग इस तरह के हैं सदर में जो एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन क्वालिटी है उस सामान में, अगर आप इंडिकेटर्स के सेट की तरफ जाते हैं तो 1200 रुपये का पेयर पड़ता है ये पिछला,
अच्छा तो एक पेयर 1200 रुपए का इसका 1200 रुपए का ये पेयर पड़ता है आपको। सही है सही है सही सही। फिर ये सीट की अपग्रेडेशन है सारी, ये वेस्पा लुक्स सीट है, ये खुद मॉडिफाई करवाई है, प्लेट पे बनवाई है इस तरह से। अच्छा तो ये अब हो जाती है इसके अंदर बेसिकली फ्यूल टैंक इसका ये नीचे है। जी जी एग्जैक्टली, इसका जो फ्यूल टैंक ओरिजिनल आता है 1979 के साथ वो 2 लीटर का आता है, ये 4.5 लीटर का टैंक है अपग्रेड है। अच्छा इसको भी आपने मॉडिफाई कराया है, हैंडमेड है ये टोटली। अच्छा कम्प्लीटली हैंडमेड, और ये वही है आपके भाई जिनके पास से आपने इसको फैब्रिकेशन करवाई है इसकी? यामीन भाई, यामीन भाई की तरफ से। और ये इंजन की आपके इसके ऊपर पेंट करवाया है, इंजन का ये समझे कि जिसको बोले कवर के ऊपर? जी जी कवर, ये मैंने गोल्ड लुक दिया है क्योंकि पूरा ब्लैक था तो ये गोल्ड के साथ जो है कंट्रास्ट आ रहा था। इसके बाद हमने बैग लगाए या एक्सेसरीज करी है। अच्छा आपको चीज़ एक नोट करनी होगी, अगर आप अपनी 50 को अपग्रेड करते हैं तो अगर ब्रॉड करते हैं आगे से तो फेयरिंग आपकी फिट नहीं आएगी, उसको यहाँ से काटना होता है इस तरह से और 2 पीसेस में लगाना होता है ऐसे। 125 का इसके अंदर जो है आपको वो नज़र आएगा कार्बोरेटर PZ27। अच्छा तो इसका मतलब है कि बाइक की पिक तो काफ़ी ज़्यादा होगी। जी सर चले, 12 वाट की बैटरी के साथ अपग्रेड किया हुआ है, फोग लाइट एक लगी हुई है इसके अंदर रात के लिए, मीटर अपग्रेड किया हुआ है, वायर इसलिए नहीं लगाई, सही वायर अपग्रेडेशन लगी है। और ये सेल्फ स्टार्ट है आपकी कंपनी? जी जी एग्जैक्टली सेल्फ स्टार्ट है। लाइट आपने जो आगे इसकी फ्रंट हेडलाइट लगाई है ये स्टॉक है और इस ये कोई आपकी आफ्टर मार्केट है? ये गाड़ी की है, जीप में बेसिकली अपग्रेड करते हैं, आपको बाइक मार्केट में मिलेगा वो थोड़ा सा जो है इसका पीछे आप कह सकते हैं कि वो डाला टाइप बना हुआ होता है, वो उसके साथ अच्छा नहीं लगता। तो आप इजली सदर में किसी प्लाजा की दुकान पे चले जाएं तो इजली मिल जाती है। फिर आप देखें इसके ऊपर ये शेड लगाया हुआ है हमने ना, ये हैंडमेड बना हुआ है पूरा। अच्छा ये साजगार रिक्शा वगैरह की आप किसी भी शॉप पर चले जाएँगे जहाँ बॉडी वर्क होता है वहाँ से आपको इजली अवेलेबल है। और ये बताती है कि ये मैं 50 हूँ। अच्छा बेसिकली ये एक ही चीज़ है जो बताती है कि मैं 50 हूँ, आप कहीं भी खड़ी करेंगे। और ख़ास तौर पर ये जब मैंने बाइक बनाई और मैं आपसे कह नहीं सकता रेंचर लाइन में जाके खड़ी की तो यंग जनरेशन नहीं थी मेरे पास, तकरीबन अगर 20 लोग खड़े हुए थे तो उसमें 18 जो वो ओवर 50 और 40 प्लस के लोग थे जो मुझसे इस गुफ्तगू कर रहे थे हमारी भी इस तरह की बाइक है हमने भी बनानी है कितना खर्चा आता है और क्या है। ओवरऑल इसके ऊपर जो है 50 प्लस का खर्चा आ चुका है, इसमें इंजन भी शामिल है और बाइक की कॉस्ट रही है क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था बाइक मेरी तरफ से गिफ्ट है। अच्छा अच्छा चलो दोस्त को वीडियो में लिया है यार, ये है इनके बहुत अच्छे दोस्त जिन्होंने कहा था कि बाइक इनकी तरफ से गिफ्ट है। सही है ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा ये जो इसके साइड के ऊपर आपने ये पैनल्स लगे हुए हैं जिस तरह से हमारे पास स्कूप्स होते हैं, ये बेसिकली आप अगर कोई बाइक 50 वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको प्लास्टिक के मिलते हैं, जब सारी बाइक हमने मॉडिफाई कर दी तो हमने डिसाइड किया कि इसके ऊपर हम लड़के लगाएंगे। ठीक है ये कुछ लोग वैसे भी इसे तलाश कर रहे होते हैं क्योंकि क्रैक हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद ना, तो यामीन भाई स्पेशलिस्ट इस चीज़ के हैं कि आपको कोई भी टापे वगैरह इसके चाहिए तो आपको वहाँ से इजिली अवेलेबल होते हैं। जो 50 रखते हैं उन्हें यामीन भाई का और जावेद भाई का एग्जैक्टली पता ही होगा कि वो कहाँ बैठते हैं और किस तरह का काम करते हैं। इसमें 12 वाट की बैटरी है बेसिकली, इस साइड पे 12 वाट की बैटरी लगी हुई है और उस साइड पे इसके जो है इंडिकेटर्स के ऑपरेशंस और वायरिंग्स वगैरह सीरीज वगैरह लगी हुई है। सही सही ज़बरदस्त। और इसकी जो चेन है जाहिर है कि जब आपने अपग्रेड किया है तो ये 428 की चेन है? जी 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 ये आपको 125 का पूरा सेटअप आपको नज़र आएगा, यहाँ पे ड्रम 125 का है इसके अंदर, स्पोक्स 125 की विदाउट क्रोम वाली क्योंकि क्रोम पे कलर नहीं चढ़ता, सिल्वर का रिम है, 428 आपका वो है आपका चेन का, आपका चेन का साइज हो गया बिल्कुल ठीक है। आगे जो है 14 लगा हुआ है, 14 टीथ का लगा हुआ है। ठीक है तो आई थिंक इट्स 1438 समथिंग। तो ये थी भाइयों ये होंडा 50 की मॉडिफिकेशन। और सबसे मज़े की चीज़ मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ जो मुझे अच्छी लगी, आमतौर से लोग क्या करते हैं कि जनरली बाइक्स के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने एक यू एल्बो लगा दी या कोई अपनी बाइक को थोड़ा ना रिस्टोर कर दिया स्पेक्स के अंदर, कोई क्रिएटिव काम उसके अंदर मुझे कम नज़र आता है। इस बाइक के अंदर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, एक तो इन्होंने आउट ऑफ हिज वे, ये ही वेन आउट ऑफ हिज वे और समझे कि इन्होंने एक नया इसके अंदर एक ट्रेंड शुरू किया कस्टम पेंट जॉब का। कस्टम पेंट जॉब के अंदर जो है ये कलर मैंने आज तक स्काई ब्लू करें या थोड़ा सा एक ओशन ब्लू इसका थोड़ा सा मिक्सचर इन्होंने इसके अंदर दिया है। पेंट जॉब इसकी बड़ी खूबसूरत है जो बिल्कुल उठती हुई महसूस होती है। आमतौर से हम रेड कलर कर लेते हैं या हम लोग दूसरे कलर्स के ऊपर चले जाते हैं लेकिन नोबडी हैज़ एक्चुअली ऑप्टेड फॉर दिस काइंड ऑफ कलर स्कीम।
یہ اس کی سب سے اچھی چیز ہے. دوسری چیز جو مجھے اس کے اندر اچھی لگی, فنیشنگ کہہ لیجئے, اس طریقے کی فنیشنگ. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو ان پرسن دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز بری لگے گی. بعض اوقات بہت ساری بائکس ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ویڈیو میں بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن جب آپ ان کو ان پرسن دیکھتے ہیں یا جب آپ ان کو چلاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا مذاق ہے. تو ایٹ لیسٹ دس از ناٹ دا کیس ہیئر. تو کریٹیویٹی از سم تھنگ, اور یہ کریٹیویٹی جو ہے اس کی یہ اسپیکس فار اٹ سیلف ہے. تو سم تھنگ, اگر آپ کے پاس بھی اس قسم کا کوئی کام ہے, گو اہیڈ اینڈ کانٹیکٹ می. ان شاء اللہ میں لوگوں کو دکھاؤں گا اس چیز کو آگے پروموٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں کسٹمائزیشن کا یہ کام ہے. ہمارے آپ کو ہمارے پاس بجٹ بہت کم ہوتے ہیں, بہت شارٹ ہوتے ہیں, ہماری بائنگ پاور اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم نئے نئے ماڈلس لے سکیں. ویسپا پرائم وغیرہ بھی آپ جانتے ہیں, 150 جو ہمارے پاس آئی ہے وہ 3.5 لاکھ 3.5 لاکھ روپئے کی موٹر سائیکل ہے. تو ہمارے یہاں بائنگ پاور اتنی زیادہ نہیں ہے. تو پرانی موٹر سائیکلس کو اسپیشلی ریسٹور کرنا اور ان کو ایک کریٹو فارم کے اندر, ایسی فارم کے اندر لے کر آنا جو یونیک بھی ہوں, اٹریکٹیو بھی ہوں, آئی تھنک دس از اے اسکل. اور یہ اسکل ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, بس اس کو دکھانے کی دیر ہے. سو ٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک کیئر, اللہ حافظ, رائڈ سیف, ویئر اے ہیلمیٹ. اور ہاں, بگ شاؤٹ آؤٹ ٹو فاروق بھائی, ان کے میں آپ کو کچھ کلپس بھی دکھاؤں گا ان کی ڈرون فوٹیج کی. ہی از اے پروفیشنل ڈرون پائلٹ بائی دا وے, اگر آپ لوگوں کو بتا دوں, پروفیشنل ڈرون آپریٹر ہیں. تو بی بلون اوے بائی دوست.